हाँ तो भाई लोग, आप लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। और अभी ना मैं बात करने वाला हूँ एक्ट्रेस नेहा शर्मा के बारे में, जिनको हमने बहुत टाइम पहले कई सारी मूवियों में देखा है, और आज के टाइम पे हम लोग उनको बहुत कम ही देख पाते हैं। या तो कोई एड वगैरह में उनको देख लेते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज कर रहे हो सोशल मीडिया, तो आप उनको फॉलो करते हो तो आप उनको मतलब देख लेते हो। तो उनके बारे में बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास लिमिटेड काम है और ज़्यादा नहीं, 4 से 5 ही स्क्रिप्ट वगैरह उनको ऑफर होती है, और उसके बाद में भी उनको उसमें से एक अच्छी स्क्रिप्ट का चयन करना होता है। अच्छी स्क्रिप्ट का चयन करने के बाद भी उनको कभी कभी, मोस्टली तो मतलब यही होता है कि उनको पता ही नहीं होता उनको कब रिप्लेस कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले की एक बात थी, उन्होंने एक स्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, उसके ऊपर वो काम कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उसका रिविज़न किया, उनको फाइनली एक शॉट देना था, जो कि मतलब एक होता है कि आप पहले एक रिवीजन वगैरह करके जाते हो, उसके बाद में डायरेक्टर फाइनली आपको अप्रोच कर देता है कि हाँ भैया ये डन हो गई। बात सारी डन थी, बस एक होता है कि भैया पहले थोड़ी तैयारी वगैरह कर लो, वो वाला सीन था। मूवी ऑलमोस्ट उन्होंने फाइनल कर ली थी, सारी कुछ चीज़ें फिट चल रही थी। जिस दिन उनको सुबह शूट पे जाना था, उस टाइम उनके पास फ़ोन आता है कि वो अब इस मूवी का हिस्सा नहीं है, उनकी जगह किसी और एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है, जिसके कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर थे, तो आप एक इन्फ्लुएंसर बोल सकते हो उनको। तो उन्होंने बोला एक ना बहुत ही दुख भरा क्षण है, उन्होंने अपना जो 36वां बर्थडे अभी सेलिब्रेट किया है, उस टाइम पर उन्होंने ये सब जो चीज़ें हैं ये बताई। और मोस्टली देखो यार, देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी गड़बड़ हैं। मेरे हिसाब से जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मतलब मिलना चाहिए काम। उसके बाद में एक चीज़ ये भी है कि यार, या तो आप किसी को काम दो मत, अगर आपने किसी को काम दे दिया है तो उसके बाद में जो रिप्लेस करने वाला फंडा है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में, तो आप भी कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।